ਸੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਖਾਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਇਆ ਮੁਰਗਾ ਕਿਤੋਂ ਖਾਦਾ ਸੀ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਖਾਦਾ ਮੁਰਗਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੌਲ ਬਦਾਰੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ गरीब आदमी रोटी खांदा सी कारोबार चलदे सन शेर किन्ना खांदा किन्ना लांदा ए भी दस दो रुपया मिलना ना तेली लाना तेली पावे किसे ना चोरी कर ले पावे नहीं चोरी नहीं करता और इन्हां नूं खवांदा किन्ना नूं आ जेड़े बड़े बड़े खसान बैठे ने कौन आ जेड़े बड़े बड़े अफसर बैठे ने उन्हें भी देंदा क्यों देंदा वे सारी हुकूमत ही चला रही उन्हें उन्हें कारोबार नहीं कराना अपना गरीब आदमी की जीवन का हक नहीं देना उन्हें महल किन्ने मर्जी एकड़ा च होवे पिया इमरान खान का की क्रिकेट खेलता सी कोई लै लै के अगे हो गया शेर की सोना कुटदा सी शेर अपना काजी लाल लाड शुरू हो लंडे दे कोल शेर सोना कुटदा सी नहीं वैसे मैं पूछ रहा पैसे ने सोना हीरे कुटदा सी नहीं 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 कुटदा ना एक फैक्ट्री सी किस चीज दी लोहे दी किन्ने भाईवाल सी ओदे च ओदे भाईवाल बड़े थे मेरा फूफी दा भाई सी ओ भी भाईवाल भाईवाल सी ते कन्ने भाईवाल इक फैक्ट्री च तक फिर खरपति किस तरह हो गया खरपति ओ कारोबारी मैं ना केड़ा कारोबार करता रहया कारोबार हलाल कमाना शेर किस तरह खरपति हो गया शेर भाई खरपति नहीं होया इसे तरह खरपति हुंदे ने जिसल ते सारे हुंदे किस तरह शेर खरपति कोई नहीं होगा शेर एक बारी फिर नहीं मैं दसना मरियम नवाज ने कहा मेरी गल सुनो मरियम ने कहा दसन लगा ना और मैं दसन लगा गल तो सुन लो क्यों नहीं दसिया जेरे प्लाट चो जेरे फ्लैट चो रह रहे हैं ओदे पैसे कित्थों आए रे क्यों नहीं दस सकया ओ किन्ना फरा कोगी किथे गई है किथे गई दो फरा कोगी फरा कोगी तो बड़ी चोर नहीं कोई नहीं ओ छड़ दो ओ छड़ दो ओ चोर नहीं है भाई फड़ो लेकिन शेर है क्यों नहीं दसदा कि जेड़े फ्लैट लेते ने ओदे पैसे कित्थों आए ने किथे आए ने भाई कोई साबर कीता ही फ्लैट दे पैसे कित्थों आए ने साबर करो ना ओनु ओ जदों ओनु पूछा क्यों नहीं साबर कीता ओने जान दे भाई छड़ दो ओ चोर बस है ओनु फड़ो ओ पहले चोर नु फड़ो ना जान दे शेर एक बारी फिर शेर एक बारी फिर ये हीरा है एक सेकंड नवाशी साहब ये आपका हीरा है हाँ जी बिल्कुल शेर अगर आप चोरी भी करेंगे तो नहीं चोरी नहीं करता हूँ गलत बात है हल्फन कह हाँ जी हल्फन कह रहा चोरी नहीं करता हूँ आप हल्फन कह रहे नवाशी चोर नहीं है चोर है रोजे मैशर रोजे मैशर आप जो आते होंगे मेरे मसला है रोजे मैशर आप जो आते होंगे अगर वो चोरी करे सारे चोर ने जितने बाकी रहे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर सर रात क्या खा के सोए थे रात क्या खाया रात को दाल खा के सोए थे आखिरी दफा मुर्गा ब्रॉयलर मुर्गा देसी मुर्गा या मटन कब खाया सही अल्लाह को हाजिर नाजिर मुझे पता मैं ये भी ना भी को मुझे पता सच बताएंगे नहीं सर हमने नहीं खाया अभी तक क्यों खाएंगे इतनी महंगाई होगी कैसे खाएंगे हम फल कौन सा खाया आखिरी दफा आखिरी फल यही सेब खाया है अनार अनार नहीं खाया अंगूर अंगूर भी खाया अंगूर खाया हाँ अनार नहीं ले सके अनार नहीं ले सकते
इतनी महंगाई। और वो जो केला दर्जन कभी 600 पे पहुंचता है, कभी 400 पे, कभी 200। 600 तक तो खैर नहीं गया, ये झूठ नहीं। रमजान में गए हैं? नहीं गया सर, रमजान में गए हैं सर। 400 तक क्या होगा, 300 350 तक गया, ऐसे ज्यादा नहीं गया। हम किसी की फेवर नहीं करेंगे, अल्लाह की फेवर करेंगे। चले चले, मैं ये कह देता हूँ जो केला 400 तक भी गया दर्जन, हाँ, हाँ। वो कब खाया आखिरी दफा? नहीं लिया ही नहीं खुद, लिया ही नहीं खुद। करते क्या आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। गुजारा नहीं होता जितनी मर्जी मेहनत कर रहे। आजकल महंगाई इतनी हो गई है, मजदूर की मजदूरी को दबाया जा रहा है उनसे। जितना मर्जी काम कर लें, जितना मर्जी काम कर लें, नहीं देंगे मजदूरी। गारमेंट में जाएंगे, गारमेंट वाले जितने भी आगे वर्कर होंगे ना, वो अपनी उनको जहरी बात है, वो तनख्वाह लेते हैं। अगर 100 रुपये का पीस है, वो कहेंगे हम आपको 80 रुपये में बनवा के देंगे, अभी वहाँ से खत्म। वो कैसी मजदूरी? हाँ जी सर, आप क्या करते हैं? मैं भी गारमेंट्स का काम। गारमेंट्स का काम कैसा चल रहा है काम? आप बेसिक नीड्स जो घर में बच्चों की तरफ से फरमाइश होती होगी, छोटे बहन भाइयों की तरफ से, बच्चों की फरमाइश, आज मुर्गा खाना है, आज मटन लेना है, या आज कभी कभार महीने में एक आधी दफ़ा, ये तो हक भी बनता है। वैसे हक तो डेली बनता है, लेकिन चलो महंगाई के दौर में महीने में एक तो कर लेते हैं मीट, या वो नहीं अब हो पाता। एक तो दफा हो जाता है। और आपका? हमारा नहीं होता, हमारे तो बहुत मुश्किल है, मजदूरी इतनी है, कम है, क्या करें बताएं आप लोग। मेरे दो एक बच्चा है बीमार रहता आता, उसका इलाज हम पूरा नहीं कर सकते। क्या हुआ उसको? और थैलेसीमिया है उसको। कब से? बचपन से। बचपन से एक बेटी थी, वो बहुत हो गई, उसको भी थैलेसीमिया, उसको ब्लड लगवाते थे, वो 6-7 साल रही है, 11 साल की होगी, अपना 10 साल की होगी, फोत हो गई। अभी बच्चा है वो भी थैलेसीमिया, वो उसको ब्लड नहीं लगवाया हमने। डॉक्टर तो कहते हैं ब्लड लगवाओ, लेकिन नहीं लगवाया। क्यों? नहीं, वो आदि बन जाते हैं ना, वर कहाँ से फोर्ड करेंगे, उसको फोर्ड नहीं कर सकते ना हम। बच्चे का ब्लड नहीं अफोर्ड कर पाए? नहीं कर सकते। डॉक्टर कह रहे हैं ब्लड लगवाओ, वो कहते हैं लगवाओ, हम कैसे अफोर्ड करेंगे उसको। तो बच्चा तकलीफ में नहीं है? नहीं, बच्चा टोर फिर तो रहा है, इलाज भी चाह रहा है, दवाई भी दे रहे हैं, जब दवाई खा लेता है थोड़ा सा टोर फिर लेता है। मजदूर आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? खड़ एक चीज लेके आता है दूसरी खत्म हो जाती है, एक चीज लेके आता है दूसरी खत्म हो जाती है। डॉक्टर कह रहे हैं इसका लगवाएं ब्लड, और आप नहीं करवा रहे? नहीं, पैसों की वजह से। हाँ जी। एक ब्लड जब आप देते हैं तो उसमें कितना लगता है, कितनी बोतलें लगनी होती हैं एट अ टाइम? ये देख लो, एक बोतल जो है ना महीने में लगती है, ऐसा ऐसा ना कम होती जाती है, फिर ऐसा वक्त आता है जो एक साथ में एक हफ्ते के 4-4 भी बोतल लगती हैं, फिर 3-3 भी, 2-2 भी लग जाती हैं एक हफ्ते के, फिर कैसे फोल्ड करेंगे? और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है जहां अशरफिया पर 17.4 अरब डॉलर लगे? ये मैं नहीं कह रहा, ये UNDP की रिपोर्ट है, अल जजीरा और दीगर इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट है। और वहां गरीब बाप ये देख रहा है कि उसके बेटे को थैलेसीमी है, वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता यार, उसके सामने उसके बेटे की ये हालत है। इधर रियासत किधर, सिस्टम किधर चला जाता है? मैं जिला मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला हूँ, ज़िला मुजफ्फरगढ़ के, यहाँ मजदूरी करने आए हम लोग। तकलीफ तो होगी आपको? ज़हरी बात है। आपका नंबर क्या, टेलीफोन नंबर बताएं? 03-6-33-99-08। रिहाइश के नाम आपका? मोहम्मद नाजिम। और रिहाइश किधर है? ज़िला मुजफ्फरगढ़। नहीं नहीं, वो घर का पता बताएं। ज़िला मुजफ्फरगढ़, तहसील ज़िला मुजफ्फरगढ़, डाकखाना विसंदे वाली। हाउस नंबर? हाउस नंबर वही है, विसंदे वाली। अब घर कब जाएंगे? अभी आए हैं यार। आंसू दिखा इस सिस्टम को। मोहसिन नकवी साहब, काकर साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, PDM साहब, PTI साहब, जितने भी हैं, ये दिया आपने, ये आपके 75 साल जो आप लोगों का सिस्टम है वो ये है कि एक बाप अपने बेटे का इलाज नहीं करवा पा रहा,
मैंने उनका फोन नंबर दिया, उनके घर का पता दिया कि जाके पता करवाए। कोई बात दुनिया का मैं कहता हूँ जितना मर्जी जालिम बाप है ऐसा झूठ नहीं बोल सकता, कोई औलाद की तस्वीर नहीं दिखा सकता। हम कितने दुख दर्द दिलों में लेके फिरते, कभी आप लोगों ने सोचा है? कौन सोचेगा, ये बाप सोच सकता है, खानदान सोच सकता है, ऊपर वाले क्या कहता है, आते हैं सुन के चले जाते हैं भाई, ठीक है। हेल्थ कार्ड से नहीं बात बनी थी जब? नहीं सुनते वो, हेल्थ कार्ड भी है सब को, ये नहीं सुनते। उनको कहा मेरा बेटे को कुछ हो जाएगा मैं कहाँ लेके जाऊँ? वो कहते हैं बात सही है, आप ब्लड लगाएं तो ठीक है, नहीं तो ले जाओ इसको। अगर आपके बेटे का इलाज शुरू हो जाए, हुकूमत आपकी मदद करे या कोई दर्दे दी रखने? कौन कहता नहीं होगा, कौन केड़ा बाप कहेगा मेरा बच्चा ठीक ना हो? बच्चे को कोई तकलीफ देगा बाप? नहीं देगा ना, बेटी को ना बेटे को कोई चीज़ भी परेशानी, बाप तो जाएगा, जिस हद तक जाएगा वो ज़रूर जाएगा, जब तक उसके दम है वो तो करेगा इलाज, जल्द देखेगा हार जाएगा वो। मैं अपनी बच्ची दी है, मुझे पता है ना, मेरा हल्के के अंदर दो बच्चे हैं, एक बच्चा वो भी उसके भी दो बेटे हैं, जाके देखे उसका भी यही इलाज है, वो भी ब्लड लगाते हैं, चलता है, अगर ब्लड ना लगाए फटकन लगे जैसे किडनी फटती है ऐसे फटते हैं वो लोग। एक मेरा दो मैन मेरे घर के अंदर, मेरे बड़े भाई के भी ऐसे हैं, वो उसके दो बच्चे, एक बेटी एक बेटा फोत हो गया, एक 11 साल का एक 14 साल का होकर हुआ है, वो इलाज नहीं कर सका, इस्लामाबाद तक गया वो लेके उसको, वो भी भाई भी फोत हो गया, उसका बेटा भी फोत हो गया। हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह रखने वाला है, अल्लाह शफा देगा। नहीं लेकिन जिन्होंने आपको इस नहज पे पहुंचाया वो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? वो तो उनको आखिरत आप नजर आ जाएगी ना, आखरत तो नहीं नज़र आती ना, दुनिया के अंदर कितनी महंगाई हो चुकी है, मजदूर को हमेशा दबाया जा रहा है, मजदूर हक के लिए आवाज़ उठाएगा उसको उठा के बंद कर देंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे, और तो कुछ नहीं करेंगे ना उसका, जब बंद कर देंगे अगर आवाज़ उठाएगा तो।